दिल्ली में हर भर डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया का प्रकोप रहता है, लेकिन पिछले वर्षों से जिस प्रकार से हमारी नगर निगम काम कर रही है, हमने उस पर नियंत्रण पाया है। 25 जुलाई को जो हमने एक डेंगू चिकनगुनिया के खिलाफ महाअभियान चलाया था, आज हम उसके तीसरे चरण में आ गए हैं। पहले चरण के अंदर हमने घर घर जाकर के जन जागरण अभियान चलाया, हैंडबिल बांटे, स्टीकर लगाए, लोगों को अवेयर किया, लोगों को कूलर का पानी, टंकी का पानी, उसमें दवाई छिड़की। दूसरे चरण में हमने फॉगिंग कराई और हमारे सभी 104 वार्डों में फॉगिंग चल रही है। अब इस समय क्योंकि मानसून नहीं है, जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर लार्वा पैदा हो जाता है, तो नेचुरल वाटर बॉडीज़ के अंदर हम हमेशा गंबूजिया मछलियाँ छोड़ने का काम करते हैं। आज हमने गंबूजिया मछलियाँ छोड़ी हैं, यहाँ पर 7 ऐसी वाटर बॉडी, उसके अलावा जापानी पार्क और जितने भी नॉर्थ दिल्ली में ऐसे ऐसे वाटर बॉडीज हैं, उन सबको चिन्हित करके वहाँ पर हम गंबूजिया मछली छोड़ रहे हैं, क्योंकि गंबूजिया मछली लार्वा उसका भोजन होता है, उसी पर वो जीवित रहती है। आज हमने 400 की संख्या में मछलियाँ छोड़ी हैं, कुछ दिन में यही 4000 हो जाएंगी, क्योंकि इनकी प्रजनन शक्ति ज़्यादा है, जैसे लार्वा खाएंगी इनकी स्पीड बढ़ेगी, और यहाँ जितना भी लार्वा है या मच्छर पैदा होने के जितने भी चांस थे वो सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर गंबूजिया मछलियाँ छोड़ने का हमारा एक कारण है, यहाँ आसपास बहुत बड़ी कॉलोनियाँ हैं, जैसे रंजीत नगर, ईस्ट पटेल नगर, आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, अगर यहाँ मच्छर पैदा हो गया तो वहाँ की रिहाइश वालों को परेशानी हो जाती है। आपने देखोगा इस बार इन क्षेत्रों से एक भी केस हमारे को डेंगू का नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम आराम से नहीं बैठ सकते। अभी अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, 2 महीने लगातार हम डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया पर काम कर रहे हैं, और लगातार चौथे चरण में जाएंगे, उसमें हम जितनी ड्रेन है उनमें भी दवाइयाँ छिड़कने का काम करेंगे, और लगातार ये अभियान चलता रहेगा। दिल्ली को डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया से बचाने की हमारी जिम्मेदारी है।